नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया है कि इन सभी नामजद लोगों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान गलत पोस्ट किए थे और दंगा भड़काने की साजिश की थी। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बहस छिड़ गई है। NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इस संदर्भ में अपनी टिप्पणी दी है। रवीश कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर सवाल किया है कि राजदीप सरदेसाई पर गलती के लिए केस दर्ज की गई, लेकिन गोदी मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रवीश कुमार का यह फेसबुक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अपने लंबे फेसबुक पोस्ट में रवीश कुमार ने लिखा है कि गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आजाद नहीं होता। गोदी मीडिया से आजादी ही नई आजादी लाएगी। मेरी यह बात लिखकर पर्स में रख लें। उन्होंने लिखा है कि गांव और स्कूलों के दीवारों से लेकर बस, ट्रैक्टर और ट्रक के पीछे भी लिखकर रख लें। इसका मीम बनाकर लाखों लोगों में बांट दें। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि मेरे राय में सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो गोदी मीडिया का गुलाम नहीं है। गोदी मीडिया के जरिए जनता को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। यह उसी गुलामी का चरम है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा उन किसानों को आतंकवादी कहने लगा है जिन्हें अन्नदाता कहते नहीं थकता था। इसकी ताकत ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश हुकूमत से भी 10 गुना है। रवीश कुमार ने यह भी लिखा है कि गोदी मीडिया ने 5 सालों में ही देश को गुलाम बना दिया है। अपनी बात को समझाते उन्होंने लिखा है कि गोदी मीडिया ने जनता को सूचना विहीन कर दिया है और सूचना विहीन जनता गुलाम ही होती है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुलकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के समर्थन में आ गई हैं। इंडिया टुडे के एंकर राजदीप सरदेसाई पर केस दर्ज किए जाने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं दंग हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ क्या हो रहा है। यह भी काफी हैरान करने वाला है कि ज्यादातर मीडिया इस मामले को लेकर चुप है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपनी आवाज जरूर उठाना चाहिए। मीडिया हमारे लोकतंत्र का जरूरी खंभा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान जमकर हिंसा और बवाल हुआ था। इस मामले में अभिजीत मिश्रा नाम के एक शख्स ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत कुछ अन्य पत्रकारों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और गुमराह करने वाले और उकसाने वाली खबर प्रसारित की और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने एक आंदोलनकारी ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़क उठी। बताते चले कि नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इन सभी लोगों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।